हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लॉट 12 MFF। एंड आपको इसके पहले वीडियो में देख रहेंगे हाउ टू अनलॉक गौर पार्ट 1। ओनली मैं 5 मफिस्टो क्लियर कर पाया एंड मुझे उसमें लास्ट स्टेज में बहुत मुश्किल लगा विथ मकारी। गाइस, मकारी इज़ वन ऑफ द बेस्ट कैरेक्टर बोल रहे हैं, बट विदाउट CTP ना मुझे 1 सेकेंड लगा, इतना मुश्किल से क्लियर किया। तो वीडियो नहीं देखेंगे तो देख रो, उसका मुझे CTP ऑफ रेज चाहिए। तो मैं गैम्बलिंग नहीं कर रहा हूँ, मेरे पास 3500 क्रिस्टल है, बट विदाउट गैम्बलिंग गारंटीड CTP एक ही जगह पर मिलेगा आपको, लेजेंडरी बटन। तो पहला मैं बता देता हूँ, लास्ट टाइम मैं परचेस किया स्पाइडरमैन नो फार फ्रॉम होम का लेजेंडरी बटन, उसमें मैं CTP ऑफ रेज दे दिया उसको, डॉक्टर स्ट्रेंज को दे दिया। तो अभी मेरे पास एक भी रेज नहीं है एंड अभी मुझे रेज मकारी को देना चाहिए। एंड मैन द वास्प में मिलेगा, लेकिन उसमें एक मुश्किल है गाइस, उसमें एक यूनिफॉर्म परचेस करना चाहिए गाइस, ट्रॉन का यूनिफॉर्म। तो ओल्ड यूनिफॉर्म 750 क्रिस्टल ओनली, बट यू गेट CTP सेलेक्टर गाइस, लेकिन मेरे पास वो यूनिफॉर्म नहीं है। तो और एक जगह है अवेंजर्स एंड गेम गाइस, उसमें मुझे गारंटीड CTP मिलेगा। इसमें देखो जायंट मैन अल्ट्रॉन पिम यूनिफॉर्म चाहिए, 750 क्रिस्टल है। अगेन आई एम टेलिंग, यूनिफॉर्म परचेस करो उसके बाद परचेस लेजेंडरी बटन करो, लेकिन इसमें सिंपली कर परचेस करते हैं। इसमें देखो ओन टाइप अनाउंसमेंट Stage 3 Thanos, तो सिंपली आप Stage 3 कर सकते हैं टाइप अनाउंसमेंट, Thanos का करना पड़ेगा। एंड चलो एंड बूम, मैं 2500 क्रिस्टल वेस्ट किया, बट 500 रिटर्न मिलेगा, 2000 समझ लो गारंटीड CTP ऑफ रेज मिल रहा है। एंड इसमें देखो गाइस, एक्सट्रीम एंड नॉर्मल एक ही है, सेम है, कुछ चेंज नहीं, ओनली रिवॉर्ड इज गोइंग टू बी डिफरेंट बिकॉज, लेकिन 2000 क्रिस्टल पे करा, 500 रिटर्न मिलेगा। एंड चलो चालू हो गया, एवरी स्टोरी मोड एवरीथिंग इज सेम गाइस, रिवॉर्ड ओनली गोइंग टू बी ज़्यादा अच्छा रहेगा। एंड चलो पहला स्टेज फर्स्ट स्टेज हो गया, तो ये लोग आ रहे हैं दूसरा प्लैनेट में। अवेंजर्स मार्वल फ्यूचर फाइट में एंड गेम का स्टोरी डिफरेंट है, इन रियल इट्स गोइंग टू बी डिफरेंट, आयरन मैन इज डेड बट इन नॉट इन मार्वल फ्यूचर फाइट। चलो कैप्टन अमेरिका है। इसमें और एक चीज़ है, इस लेजेंडरी बैटल में ना खेलेंगे ना आपका मेन बिल्ड यूज होगा। अभी इसको मैं कैप्टन अमेरिका CTP ऑफ डिस्ट्रक्शन दिया हूँ, तो ये CTP ऑफ डिस्ट्रक्शन यूज होगा एंड जल्दी क्लियर कर पाऊंगा। एंड स्किल नंबर 5 से स्टार्ट किया हूँ एंड डैमेज ठीक ठाक है। एंड चलो स्किल नंबर 5 to 4 एंड 3 ऐसे, जो लेजेंडरी बैटल ज़्यादा ये नहीं कर रहा हूँ, ये देखो जितना जल्दी 15 मिनट्स में जल्दी कंप्लीट कर दिया। चलो आई फ्रेम में चला गया लग रहा है, नहीं नहीं अभी रुको रुको, नहीं आई फ्रेम में चला गया, थोड़ा वेट करना पड़ेगा। चलो वापस स्किल नंबर 5 इज गोइंग टू बी, बट राइट नाउ कैप्टन अमेरिका वाज नॉट सो गुड, कंप्लीट हो गया उसका यूनिफॉर्म, अभी कोई यूज़ नहीं करता। ये देखो 150 क्रिस्टल वापस मिला मुझे एंड थोड़ा बंच ऑफ यूनिफॉर्म अपग्रेड चिप्स, यूनिफॉर्म अपग्रेड चिप्स एंड लिटिल बिट ऑफ स्टफ, ओके गोल्ड मिला। एंड चलो अभी वॉर मशीन, इसमें एक चीज़ है, इसका यूनिफॉर्म भी नहीं है, कैप्टन अमेरिका यूनिफॉर्म भी नहीं था इसमें, मैं किसी का यूनिफॉर्म परचेस नहीं किया एंड गेम में, इतना कास्ट नहीं था मेरे पास क्रिस्टल भी नहीं था गाइस। तो चलो अभी इसमें एक प्रॉब्लम होगा, अभी आप देखे रहेंगे कैप्टन अमेरिका सिंपली एनिमी को डुअल चार्ज दिया विद इन 15 मिनट्स में सब क्लियर स्टेज कर दिया, लेकिन इस बार मुझे वॉर मशीन में टाइम लगेगा बिकॉज आई एम नॉट बिल्ड वॉर मशीन। अभी तक मैं वॉर मशीन बिल्ड नहीं किया, नहीं किसी एक भी यूनिफॉर्म परचेस नहीं किया, फ्री वाला लिया था, गोल्ड में जो यूनिफॉर्म है था वो लिया हूँ, लेकिन अभी मेरे पास कुछ भी नहीं यूनिफॉर्म नहीं है वॉर मशीन का। तो चलो इसमें गेम प्ले बहुत टाइम लगेगा एंड हियर वी गो, द विलन इज कमिंग एंड बहुत टाइम लगा, इसका डैमेज भी देखो बिकॉज इवन आई थिंक प्रॉक भी मैं बराबर नहीं दिया आपको लग रहा है, बट बहुत टाइम लगेगा मुझे कन्फर्म मालूम है, बिकॉज ये जो बिल्ड दे रहे हैं कैरेक्टर को वही इसमें भी अप्लाई होगा। ऐसा नहीं कि आप मैं CTP ऑफ रेज दूंगा तो उसके हिसाब से इसमें भी डैमेज ज़्यादा रहेगा, नॉर्मल ऑब्लिस देगा तो ऑब्लिस उसके हिसाब से रहेगा। एंड चलो मैं इसको, इसमें बहुत सारा डिफरेंट मैकेनिक टैक्टिक्स है गाइस, जस्ट लाइक एवरी गेम प्ले। देखो इसमें देखो अभी इधर सब मतलब ये पत्थर सब रोड सब डिस्ट्रॉय हो रहे हैं, मैं इधर से उधर भागने का बहुत यूनिक गेम प्ले बोलूँगा। ओ माय गॉड मैं मर जाऊँगा, डैमेज लगा 50% HP हो गया, वापस मुझे भागना पड़ेगा, रुको सेट में जला दे। तो इसमें बहुत सारा डिफरेंट टैक्टिक यूनिक गेम प्ले है गाइस, इसीलिए मार्वल फ्यूचर फाइट वन ऑफ बेस्ट गेम बोलूँगा, मेरे हिसाब से नहीं बहुत सारा प्लेयर बोल रहे हैं, वन ऑफ द बेस्ट यूनिक गेम, बहुत सारा डिफरेंट लाइक इन नेक्स्ट वीडियो आई विल अभी स्पॉइलर दे देता हूँ। अल्ट्रॉन क्लियर कर रहा हूँ, बहुत मुश्किल थे गाइस, बहुत मुश्किल है। इवन मैं Stage 1 किया था, आयरन मैन यूज़ किया विथ CTP ऑफ रेज दिया था विथ बिफोर अपडेट में क्लियर किया था, वो भी अपलोड करूँगा, बट वन ऑफ द बहुत डिफरेंट टैक्टिकल यूज़ हो रहा है इसमें भी। देखो अभी इसमें कैसा कैमरा एंगल शिफ्टिंग हो रहा है, रोड सब अभी देखो पत्थर गिर रहा है, पत्थर ओ माय गॉड, ये देखो पत्थर में मार पड़ा, मैं भाग रहा हूँ जस्ट मिस हो गया, ओ माय गॉड मेरा HP मर जाऊँगा, नहीं 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 जस्ट मिस हो गया। देखो ऐसा डिफरेंट टैक्टिकल मैकेनिज्म यूज़ करना पड़ेगा, इसीलिए मार्वल फ्यूचर फाइट बाकी गेम का जैसा नहीं है, इतना 7 साल से सर्वाइव कर रहा है,
मेरे हिसाब से वन ऑफ द बेस्ट गेम, मेरा लाइफ टाइम का गेम है बोलूँगा, 4 साल से ज़्यादा हो गया खेल रहा हूँ। एंड जो आप लोग के यूट्यूब से हेल्प करने के लिए सोच रहा था, बिकॉज सो मेनी पीपल आर नॉट अंडरस्टैंडिंग हिंदी, सो मैं इसलिए देखा उन क्लियर हो गया। मैं अभी तक पैसा स्पेंड नहीं किया गया, 2500 क्रिस्टल में जमा कर रहा हूँ, कोई यूनिफॉर्म परचेस नहीं किया एंड 150 क्रिस्टल वापस एंड कैश नॉट शोन। मैं इवन हल्का यूनिफॉर्म परचेस नहीं किया गया राइट नाउ, देखो अभी हल्का यूनिफॉर्म भी मैं परचेस नहीं किया। आप लोग सोचे रहेंगे हल्का यूनिफॉर्म है, अबॉब नेशन अब्जॉर्ब टाइटेनिया बहुत सारा यूनिफॉर्म है एंड ये लास्ट स्टेज है। चलो इसमें मुझे CTP ऑफ रेज मिलेगा स्किल नंबर 5 एंड 4, जल्दी क्लियर होगा। नहीं 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 ये रियलिटी स्टोन इसका है, इसके लिए मैं सोचा जल्दी मर गया। एंड चलो इसमें भी देखो गाइस, बहुत डिफरेंट डिफरेंट यूनिक स्टाइल यूज होगा इन एवरी गेम मोड। अभी देखो इसमें देखो एक बार मर गया था ना, उस रियलिटी स्टोन यूज़ किया लेकिन हम वापस जिंदा आ गया एंड इसको GTP और रेज दिया आयरन मैन को, बट स्टिल डैमेज इज नॉट सो गुड, ठीक ठाक है। अभी ये देखो लेजर, ये देखो लेजर से बचना पड़ेगा, ये देखो अभी क्लॉकवाइज, अभी वापस एंटी क्लॉकवाइज जाना पड़ेगा। अभी क्लॉकवाइज गया, पहला एंटी क्लॉकवाइज गया, ऐसा डिफरेंट डिफरेंट मैकेनिज्म यूज़ करना पड़ेगा। तो मुझे गेम बहुत अच्छा लगा, कुछ मैं भी बहुत एंजॉय करता हूँ गेम, टफ एडवेंचर मतलब आगे बढ़ते रहने का इसमें ऐसा चीज़ रहता है, लेवल आगे कैरेक्टर को अपग्रेड करने का। ये देखो ऊपर से मीटियोर गिर रहा है, एक मिनट में थोड़ा बच जाता हूँ नहीं तो मरूंगा, ऊपर बच गया एंड चलो उसको वेट करता हूँ। स्किल नंबर 5 स्नैप, वन ऑफ द बेस्ट यूनिफॉर्म बोलूँगा वो टाइम पे था अवेंजर्स एंड गेम का, और इसका स्किल नंबर 5 एंड 4 ना बहुत यूनिक था। एंड ओ माय गॉड एंडलेस वाइल्ड, इससे मैं बचने का, रुको रुको इस टाइम फ्रोज में जाता हूँ नहीं तो फिर मरूंगा। यस टाइम फ्रोज में गया, बच गया बच गया बच गया एंड चलो स्किल नंबर 5 एंड फिनिश करता हूँ थैनोस को। थोड़ा लैगिंग होगा गाइस तो सॉरी, बट राइट नाउ यही मैं ऐसे ही दिखा सकता हूँ। तो चलो एंड क्लियर हो गया गाइस फाइनली CTP ऑफ रेज, आई गॉट इट फ्रॉम लेजेंडरी बैटल, 2000 क्रिस्टल डाला, वेस्ट नहीं हुआ एंड थैनोस सबको मार दिया। ब्लैक विडो है इन गेम में, रियल में कुछ अलग ही था एंड कैप्टन अमेरिका है एंड आयरन मैन भी जिंदा है। इन मूवीज में आयरन मैन मर गया, टोनी स्टार्क इज डेड इन मूवी बट नॉट इन मार्वल फ्यूचर फॉर गाइस। चलो ये थैनोस का ग्लव्स है, अभी बहुत डैमेज है, हेवी डैमेज हुआ इस आयरन मैन को एंड इसमें स्टोरी लाइन के, ये लेजेंडरी बैटल स्टोरी लाइन के हिसाब से मूवी जैसे ही रहेगा, सेम डिटो मूवी जैसे ही है। एंड चलो वेयर वी गो एंड बहुत स्लोली जा रहा है मुझे, लेकिन CTP ऑफ रेज मिला वो मुझे बहुत खुश हूँ। आपको शेयर करने के लिए बताया, आप भी ट्राई करो, आपके पास कोई इसी के पास रेज चाहिए किसी के पास नहीं है तो ये मेथड यूज़ करो, लिटरली वन ऑफ द बेस्ट मेथड, गारंटीड CTP। गैम्बलिंग मत करो, आई एम नॉट गोइंग टू रिकमेंड एनीवन टू गैम्बल। एंड चलो एंड सभी लोग जिंदा है मूवी पे, तो आधा लोग मर गए, ब्लैक विडो डेथ हो गया, हल्क है, कैप्टन अमेरिका भी काइंड ऑफ डाई टाइम ट्रैवल में फंस गया एंड आयरन मैन इज कमिंग एंड हियर वी गो, खत्म हो गया। चलो CTP ऑफ रेज, यस बोनस में CTP ऑफ रेज, 200 क्रिस्टल वापस, टोटल 500 क्रिस्टल वापस एंड मुझे मिला CTP ऑफ रेज। एंड चलो मैं दिखा देता हूँ, एंटर कर लेता हूँ तो इसमें वापस बताऊँगा। बेस्ट बोलूँगा तो फर्स्ट नंबर जगह पे रहेगा स्पाइडरमैन, जल्दी जल्दी मिलेगा मतलब CTP। इसमें भी टाइम लेवल 3 है स्पाइडरमैन का, उसमें भी टाइम लेवल 3 है। थैनोस का थोड़ा हेवी, थोड़ा कॉस्टली रहेगा बट वन ऑफ द बेस्ट थिंग। और ये भी बता देता हूँ, इसमें देखो टाइप लिखा है, मेरे पास 3 है उसके बाद नहीं किया बिकॉज मेरे पास उतना मटेरियल नहीं था, रिसोर्स नहीं है। आपको जैनमोस से मिलेगा ये मटेरियल, इजीली आप फार्म कर सकते हैं, सब जगह पे मिलेगा। तो थैनोस का अभी मैं आपको और एक चीज़ स्पाइडरमैन का भी बता देता हूँ, स्पाइडरमैन का मेरा लेवल 5 रहेगा शायद, 6 यस 5 रहेगा, इसका भी देखो एनहांस करना पड़ेगा, सिर्फ इसे ही करना पड़ेगा तो 2000 क्रिस्टल देंगे, 2500 इन रिटर्न आपको 500 मिलेगा। एंड दूसरा नंबर पे एंड गेम, तीसरा नंबर पे एंड पर नंदवास। आज के वीडियो में जितना, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, थैंक यू फॉर वॉचिंग।